धन त्रयोदशी के त्योहार को धनतेरस नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस के पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धनवंतरी भगवान ने अमृत कलश लेकर अवतार लिया था। इस दिन सोना चांदी व धातु को खरीदना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत गोधूल काल में मंगलवार 29 अक्टूबर शाम 6:31 से 8:13 तक रहेगा। भगवान धनवंतरी की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। धनतेरस शब्द का अर्थ है धन का 13 गुना होना। सोना चांदी और पीतल सभी सामानों को शुभ मुहूर्त में घर में लाना चाहिए। धन त्रयोदशी पर सोना चांदी और पीतल खरीदने की मान्यता है। भगवान धनवंतरी की पूजा करने से साधक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा से व्यक्ति को धन दौलत का आशीर्वाद मिलता है। ये पर्व हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। जैन धर्म के अनुयायी भी धनतेरस पर्व मनाते हैं। धनतेरस के दिन खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। इस दिन सोने और चांदी के गहने, बर्तन, पीतल और झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन धनवंतरी देव की पूजा करने से सेहत हमेशा अच्छी रहती है। माँ लक्ष्मी और धनवंतरी भगवान को पीली चीजों का भोग काफी पसंद है। पूजा के समय बेसन की बर्फी का भोग लगा सकते हैं। 6:31 से 8:13 तक अवधि 1:41। यम दीपक मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को। प्रदोष काल 5:38 से शुरू होकर 8:13 तक। वृषभ काल 6:31 से शुरू होकर 8:27 तक। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 29 अक्टूबर 2024 को 10:31 तक। त्रयोदशी तिथि समाप्त 30 अक्टूबर 2024 को 1:15 तक। धनतेरस के दिन तांबे का बर्तन लाते हैं तो धर्म और पुण्य की वृद्धि होती है, साथ ही ज्यादा लाभ और परिवार वालों के रोग खत्म होते हैं। इस दिन मिट्टी से बने बर्तन और दीपक भी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन प्रॉपर्टी संबंधी निवेश या लेन देन करना भी शुभ माना जाता है। चांदी खरीदने से घर में शांति आती है और कलेश खत्म होते हैं। सोना खरीदने से सौंदर्य और समृद्धि बढ़ती है। धनतेरस पर तवा, चिमटा आदि नहीं खरीदने चाहिए। मान्यता है कि इस शुभ दिन नुकीले सामान जैसे चाकू, छुरी, कैंची, हसिया जैसी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन कांच और प्लास्टिक से बने सामान खरीदने से बचना चाहिए। एल्यूमिनियम के बर्तन सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। भगवान धनवंतरी के साथ माता लक्ष्मी, गणेश जी को दूध और उससे बने मक्खन का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर वालों की सेहत अच्छी रहती है। इस दिन नए बर्तन में माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर और भगवान धनवंतरी को भोग लगाया जाए तो घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है और बीमारियां दूर होती हैं। शुभ मुहूर्त में धनवंतरी देव के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें, फिर घी का दीपक जलाएं और शाम में द्वार पर भी दीपक जलाएं। उसके बाद मंत्रों का जाप करें और आरती करें। धनतेरस का त्योहार भगवान धनवंतरी की जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धनवंतरी ने कलश में भरे अमृत को देवताओं को पिलाकर अमर कर दिया। इस दिन धनवंतरी देव की पूजा करने से व्यक्ति को निरोगी जीवन मिलता है और उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में धनवंतरी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। आरोग्य की उत्तर पूर्व दिशा में धनवंतरी की आराधना करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दीपोत्सव के इन 5 दिनों में प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ ही धनाधिपति कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान भी है। दीपक रखने से पूर्व खीर या चावल रखकर उसके ऊपर दीपक जलाएं।
अब एक कलश में शुद्ध जल लेकर सभी देवताओं को आचमन कराएं और फिर रौली, कुमकुम, हल्दी, गंध, अक्षत, पान, पुष्प, नैवेद्य या मिष्ठान, फल, दक्षिणा आदि उन्हें अर्पित कर प्रणाम करें और अपने रोगों के नाश की कामना करें। परिवार में दीर्घायु एवं आरोग्यता बनी रहे इसके लिए पूजा के दौरान ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें। आयुर्वेद के अनुसार भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति स्वस्थ शरीर और दीर्घायु से ही संभव है। शास्त्र भी कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का साधन भी निरोगी शरीर ही है। तभी आरोग्य रूपी धन के लिए ही भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन धन्वंतरी की पूजा मनुष्य को वर्ष पर्यंत निरोगी रखती है।